एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 डिग्री एंड इज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बेटा हमें एक ट्रायंगल ए बी सी है सपोज हमारे पास, और उसकी मैंने एक साइड बी सी को एक्सटेंड करा, कहाँ तक एक्सटेंड किया, डी तक। तो आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर एक एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल क्या होगा, तो इधर ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, और उसकी मेजर हमें क्वेश्चन में दी है 105 डिग्री, और वो कहते हैं कि टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इसको बेटा समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि इसके इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ए सी डी के एक्सटीरियर एडजेसेंट में उसका सात वाला एंगल कौन सा है, एडजेसेंट मीन सात वाला, तो वो तो ये वाला दिख रहा है ना हमें, दिस वन, जहाँ ये मैंने क्रॉस डाला है क्रॉस, तो ये जो है ना इसका एडजेसेंट इंटीरियर है, तो हम एडजेसेंट इंटीरियर को छोड़ दें, लीव कर दें, उसको ना लें, तो जो बाकी दो एंगल बचते हैं, रिमेनिंग एंगल अदर देन एडजेसेंट इंटीरियर, कौन से दो एंगल बचे, एंगल ए एंड एंगल बी, दे विल बी इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एंगल ए सी डी के इंटीरियर अपोजिट है, फाइन। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल जो इंटीरियर एंगल्स हैं, टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्वेश्चन में हमें कहा गया है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से बेटा, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों इक्वल मेंशन है हमें, तो हम इनको एंगल ए और एंगल बी जो कि इक्वल दिए हैं, मैं दोनों को एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, कि दोनों की वैल्यू एक्स है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, एंगल ए को भी और एंगल बी को। अब हमें सिंपली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में, तो एंगल ए सी डी कितना बेटा 105 डिग्री, एंगल ए एक्स है एंड एंगल बी इज ऑल्सो एक्स। अब 105 इज इक्वल टू 2x और 105 अपॉन 2 हो जाएगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 105 अपॉन 2, फाइन। तो अब x की वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास ऑप्शन में ये फोर ऑप्शन दिए हैं और फोर में से थ्री ऑप्शन है ना हमारी वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे करते कन्वर्ट, बाय डिवाइडिंग इट, 105 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, देखो क्या आता है, तो क्वेश्चन आ रहा है हमारा 52, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 52 पहले लिखेंगे, फिर जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को कितना आया बेटा, रिमाइंडर इज 1, तो पहले डैश डाल के यहाँ 1 लिखेंगे, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था यानी कि डिवाइजर, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इस तरह से हम मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 52 1/2, सो ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल कितना हो गया, b 52 1/2 डिग्री।